हेलो एवरीवन, आज हम स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर जिसे कि स्टेटकॉम बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसे समझेंगे। स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर होते क्या है? स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं जो ऑपरेट कराए जाते हैं एसवीसी जैसा, जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव आउटपुट करंट को कंट्रोल किया जा सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ द एसी सिस्टम वोल्टेज। ठीक है, यहाँ दो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। फिगर ए दिखाई दे रहा है वो स्टेटकॉम दिखा रहा है बेस्ड ऑन वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर या कंट्रोलर। ठीक है, सेकंड फिगर आपको दिखाई दे रहा है करंट सोर्स कन्वर्टर के साथ में। ठीक, तो यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन में आप दोनों को यूज कर सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन आपको सुटेबल लगे उसे आप यूज करते हैं हमारे पावर सिस्टम में। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जैसा मैंने अभी बताया स्टेटिक वायर कंपनसेटर जैसा काम करता है और कैपेसिटिव और इंडक्टिव करंट को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक, तो इसका एक एडवांटेज ये होता है जब हम स्टेटकॉम को यूज करते हैं कि इसको यदि किसी एनर्जी सोर्स के साथ में यूज किया जाए तो इसके द्वारा एनर्जी को सप्लाई मतलब पावर सप्लाई एंड पावर एब्जॉर्ब भी करवाई जा सकती है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर एसएसजी। ठीक है, तो अगर एनर्जी सोर्स के साथ में इसे यूज करवाते हैं तो वो आपका हो जाता है स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर जैसा काम करता है। और एनर्जी सोर्स कोई भी हो सकते हैं, बैटरी हो सकती है, फ्लाईव्हील हो सकते हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हो सकते हैं, लार्ज डीसी कैपेसिटिव स्टोरेज कैपेसिटर्स हो सकते हैं या कोई दूसरा मीन भी हो सकता है एनर्जी सोर्सेज के लिए। तो इस तरह से स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर जो रहता है वो वैसे देखा जाए तो स्टैटिक वायर कंपनसेटर जैसा काम करता है विद एडिशनल फीचर।